जैन बच्चों, मामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज क्लास 12 मैथ हिंदी मीडियम के पहली चैप्टर संबंध तथा फलन का हम एक्सरसाइज 1.1 आज के वीडियो में बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो को आप देखिएगा, पहले वाले वीडियो में सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट होंगी, जिसमें डेफिनेशन और एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन का पार्ट वन, सेकेंड और थर्ड तीन क्वेश्चन हम आपको पिछले वाले वीडियो में बताए हैं। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आवश्यकता समझ में आए तो कमेंट करें और वीडियो पर लास्ट तक बने रहें ताकि 12 का मैथ आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ऑनलाइन चैनल के माध्यम से पूरा का पूरा मैथ आपके सामने प्रस्तुत होगा, आप अच्छी तरह से समझें, ध्यान दें। चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। फर्स्ट और सेकंड पार्ट बताए थे कल, थर्ड पार्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। और थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की जांच करनी है। कौन सा संबंध स्वतुल्य है, कौन सा संबंध संक्रामक है, कौन सा संबंध सममित है, इसकी जांच करनी है। हमने आपको स्वतुल्य में बताया था कि स्वतुल्य का मतलब होता है खुद के जैसा। अगर कोई संबंध खुद का खुद से संबंध होगा, स्वयं का स्वयं से संबंध होगा, तो वह स्वतुल्य संबंध होगा। सममित संबंध में होता है कि अगर पहले का संबंध दूसरे से है तो वही संबंध दूसरे का पहले से भी होना चाहिए, तो संबंध सममित होता है। संक्रामक संबंध में तीन अवयव होते हैं, जो संबंध पहले का दूसरे से है, अगर वही संबंध दूसरे का तीसरे से है और फिर वही संबंध पहले का तीसरे से है, तो इस प्रकार के संबंध को हम संक्रामक संबंध कहते हैं। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। आप अपना बुक खोल लीजिए और ध्यान से समझिए। क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड में, समुच्चय ए, कोई समुच्चय ए है, कोई सेट ए है और ए इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये दिया हुआ है और इनके बीच रिलेशन दिया हुआ है। तो इनके बीच जो रिलेशन दिया हुआ है वह रिलेशन है R इज इक्वल टू एक्स वाई, सच दैट Y भाज्य है यक्स से, Y भाज्य है यक्स से, द्वारा परिभाषित संबंध आर है। हमको इसके बारे में बताना है, ध्यान दीजिएगा, हमको इसके बारे में बताना है कि यह संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है कि नहीं है, ये हमें जांच करना है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि xy संबंध है और दिया है कि y भाज्य है x से,
यानी बाद वाला अवयव पहले वाले अवयव से भाज्य होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, इसको हमें ध्यान पूर्वक देखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम रिलेशन देखें कि रिलेशन क्या होगा। देखो बेटा, वन से सब डिवाइड हो जाएगा। देखिए, वन से सब डिवाइड हो जाएगा, यानी वन से वन डिवाइड हो जाएगा, वन से टू डिवाइड हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वन से थ्री डिवाइड हो जाएगा, वन से फोर डिवाइड हो जाएगा, वन से फाइव डिवाइड हो जाएगा, वन से सिक्स डिवाइड हो जाएगा। आपसे देखिए, जो पहले दिया है वो यक्स है, जो बाद में दिया है वो वाई है। ये यक्स है, ये वाई है, तो वाई यक्स से भाज्य है, ये दिया है, यानी वाई यक्स से डिवाइड हो जाएगा। तो वन वन से डिवाइड हो जाएगा, टू वन से डिवाइड हो जाएगा, थ्री वन से डिवाइड हो जाएगा, फोर वन से डिवाइड हो जाएगा, फाइव वन से डिवाइड हो जाएगा, सिक्स वन से डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखें कि टू से क्या डिवाइड होगा। तो देखिए, आप टू से टू डिवाइड हो जाएगा, टू से फोर डिवाइड हो जाएगा, फिर टू से सिक्स डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही बेटा? टू से सिक्स डिवाइड हो जाएगा। फिर देखा जाएगा और रिलेशन। अब थ्री पे आइए, तो थ्री से थ्री डिवाइड हो जाएगा और थ्री से सिक्स डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद अगर देखें आप फोर से, तो फोर से फोर डिवाइड हो जाएगा, फोर से कुछ और डिवाइड नहीं होगा। और फिर अगर हम फाइव को देखें, तो फाइव से फाइव डिवाइड हो जाएगा, फाइव से कुछ और डिवाइड नहीं होगा, और फिर सिक्स से सिक्स डिवाइड होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार जितनी बात कही जा रही है कि वाई भाज्य है यक्ष से, तो यही रिलेशन हम लोगों को मिल रहा है। क्या क्या रिलेशन में क्या है? वन वन, वन टू, वन थ्री, वन फोर, वन फाइव, वन सिक्स, टू टू, टू फोर, टू सिक्स, थ्री थ्री, थ्री सिक्स, फोर फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स। अब हमको यहाँ जांच करना है। सबसे पहले हम देखेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए। देखिए, स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होता है बेटा? स्वतुल्य संबंध में क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिए। वन वन होना चाहिए, टू टू होना चाहिए, थ्री थ्री होना चाहिए, फोर फोर होना चाहिए, फाइव फाइव होना चाहिए, सिक्स सिक्स होना चाहिए। स्वतुल्य का मतलब खुद का खुद से संबंध। तो आप जरा देखिए कि वन वन आर का एलिमेंट है, वन वन आर का एलिमेंट है, वन वन इज एलिमेंट ऑफ आर, एंड टू टू इज एलिमेंट ऑफ आर, एंड थ्री थ्री इज एलिमेंट ऑफ आर, फोर फोर इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आर, फाइव फाइव इज एलिमेंट ऑफ आर, एंड सिक्स सिक्स इज, सिक्स सिक्स इज एलिमेंट ऑफ आर। तो सभी अवयव यहाँ प्रेजेंट है, स्वयं का स्वयं से संबंध है। इसका मतलब ये हुआ कि संबंध स्वतुल्य है। हम कह लिख देंगे कि अतः संबंध स्वतुल्य है, अतः संबंध स्वतुल्य है। अब इसके बाद दूसरे पे हम आएंगे, सममित संबंध देखेंगे। सममित संबंध के लिए सममित संबंध के लिए तो अब आप देखें, सममित संबंध के लिए, अब सममित संबंध के लिए क्या होना चाहिए? सममित संबंध के लिए ये होना चाहिए कि अगर वन टू है तो टू वन भी होना चाहिए। देखिए कहीं इसमें टू वन दिखाई दे रहा है बेटा? वन टू इज एलिमेंट ऑफ आर,
बट टू वन इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। बात समझ आ रही है? वन टू तो है लेकिन टू वन इसका एलिमेंट नहीं है। फिर इसी तरह से अगर हम देखें वन थ्री पे, तो वन थ्री इज एलिमेंट ऑफ आर, वन थ्री इज एलिमेंट ऑफ आर, लेकिन थ्री वन एलिमेंट है। बोलिए, वन थ्री तो एलिमेंट है लेकिन थ्री वन एलिमेंट इसमें कहीं दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं होगा। थ्री वन इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। इसी तरह से आप देखें तो अगर वन फोर को देखें तो वन फोर इज एलिमेंट ऑफ आर, बट फोर वन इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। वन फाइव इज एलिमेंट ऑफ आर, बट फाइव वन इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। तो हम देख रहे हैं कि एक एलिमेंट तो प्रेजेंट है लेकिन अपोजिट वाला एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, अतः संबंध सममित नहीं है। बात सुन मेरी बेटा, अतः संबंध सममित नहीं है। बात सुन रही ना? अब हम संक्रामक के लिए देखेंगे, तो संक्रामक में क्या होगा, इसको इरेज करते हैं ऊपर। अब हम संक्रामक संबंध को देखेंगे। संक्रामक में क्या, जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध दूसरे का तीसरे से होना चाहिए, वही संबंध तीसरे पहले का तीसरे से होना चाहिए। अब आप देखिए, हम देखेंगे संक्रामक संबंध के लिए, सी पार्ट है। संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए देखिए, वन टू इज एलिमेंट ऑफ आर। वन टू तो एलिमेंट है लेकिन देखिए टू के साथ कुछ और है, टू फोर भी है। वन टू इज एलिमेंट ऑफ आर, और अगर देखें तो टू फोर, टू फोर एलिमेंट है ना, टू फोर इज आल्सो एलिमेंट ऑफ आर। और इसके बाद देखिए, देखिए वन का जो रिलेशन टू से है, टू का वही रिलेशन फोर से है। अब देखिए कि क्या वन का वही रिलेशन फोर से है, देखिए क्या वन फोर इसमें प्रेजेंट है, तो वन फोर प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा वन फोर इज एलिमेंट ऑफ आर। तो आप देख रहे हैं कि जो संबंध पहले का दूसरे से है, यानी दूसरा पहले से विभाज्य है, फिर दूसरे वाले में देख रहे हैं तो तीसरा दूसरे से विभाज्य है, और फिर यहाँ आते हैं तो फिर तीसरा पहले से विभाज्य हो जा रहा है। यानी जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध दूसरे का तीसरे से है, और फिर वही संबंध पहले का तीसरे से है, अतः संबंध संक्रामक है। लिख देंगे अतः संबंध संक्रामक है। यही आपको चेक करना था। तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में संबंध स्वतुल्य तो है, ठीक ना, संबंध स्वतुल्य तो है लेकिन न तो सममित है और न ही संक्रामक है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पे, इसको इरेज कर दें बाबू। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पे, पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। और पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, इसको आप ध्यान पूर्वक देखें। समस्त पूर्णांकों का समुच्चय जेड, जेड जो है समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है। यहाँ पर इसके अंदर समस्त पूर्णांक है। आपको याद रखना होगा कि पूर्णांक जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। इंटीजर पूर्णांक ही इंटीजर होता है, इंटीजर तीन प्रकार के होते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक निगेटिव इंटीजर होता है, एक जीरो इंटीजर होता है। यानी इंटीजर पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। तो जेड के बारे में दिया है
कि जेड पूर्णांकों का समुच्चय है और इसमें संबंध है। देखो बेटा, इसमें संबंध दिया हुआ है एक्स वाई, सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, मतलब ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई से रिलेटेड है, एक्स का वाई से संबंध है, लेकिन एक्स का वाई से संबंध है तो एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक होना चाहिए। अच्छा, एक काम करते हैं, हम पूर्णांक ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं, ऐसा करते हैं माइनस फोर ले लेते हैं, माइनस थ्री ले लेते हैं, माइनस टू ले लेते हैं, माइनस वन ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं, वन ले लेते हैं, टू ले लेते हैं, थ्री ले लेते हैं, फोर ले लेते हैं, एंड सो ऑन। क्योंकि जेड के बारे में बताया है कि जेड पूर्णांक इंटीजर है, और अगर ये पूर्णांक है तो पूर्णांक पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और जीरो भी होता है। तो हमको दिखाना है कि एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक होना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध की जांच करेंगे। स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए देखेंगे। देखो बाबू, अगर दोनों सेम हो, स्वतुल्य में दोनों सेम होना चाहिए, तो दोनों सेम होना चाहिए। सपोज कीजिए x के जगह पे हम 1 लिए हैं और y के जगह पर भी 1 लिए हैं। देखो बेटा, दोनों सेम हैं, स्वतुल्य संबंध में दोनों सेम होना चाहिए। तो अगर x के जगह पे 1 और y के जगह पे 1 है, तो अगर हम x माइनस वाई निकालें तो x के जगह पे 1, y के जगह पे 1, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जीरो क्या है, एक पूर्णांक है। लिख देंगे, जो एक पूर्णांक है, जो एक पूर्णांक है। अच्छा, कोई दूसरा नंबर अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं, सपोज कीजिए x इजकल टू 2 एंड y इजकल टू 2, दोनों सेम ही लेंगे क्योंकि स्वतुल्य दिखाना है, स्वतुल्य माने दोनों समान होना चाहिए। तो अगर दोनों फिर 2 हो तो x माइनस वाई यानी 2 माइनस 2 इजकल टू 0 हो जाएगा। जो एक पूर्णांक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो संबंध है, यह संबंध स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि जीरो जो मिल रहा है तो जीरो भी तो एक पूर्णांक है। तो अब कह देंगे कि अतः संबंध स्वतुल्य है, अतः संबंध स्वतुल्य है। ठीक है बाबू, तो ये स्वतुल्य संबंध क्लियर हो गया। आप लोग जवाब दिया करिए, जब पूछा जाए तो बताया करिए, ये चीज क्लियर हो गया ना। चलिए, अब जो है स्वतुल्य के बाद हम आते हैं दूसरा सममित संबंध के लिए। इसको इरेज कर दें, चलिए इरेज कर देते हैं। अब बी वाले पार्ट पे हम आते हैं, और बी वाले पार्ट में हम लोगों को देखना है सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए। तो सममित संबंध के लिए देखो बाबू, सममित संबंध में क्या होना चाहिए कि जो संबंध यक्ष का वाई से है, वही संबंध वाई का यक्ष से होना चाहिए। सपोज कीजिए एक्स इजकल टू 1 और वाई इजकल टू 2 हम कर मान लेते हैं। तो अगर हम यक्ष माइनस वाई निकालें तो ये 1 माइनस 2 हो जाएगा। अब 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो माइनस 1 आएगा, और माइनस 1 क्या है, एक पूर्णांक है। माइनस 1 भी पूर्णांक है क्योंकि पूर्णांक निगेटिव भी होता है। तो लिख देंगे, जो एक पूर्णांक है। अच्छा, हम अब सममित में होता क्या है कि जो संबंध पहले का दूसरे से, वही संबंध दूसरे का पहले से होना चाहिए।
अब हम इसको रिवर्स कर देते हैं, यक्स इजकल टू टू और वाई इजकल टू वन अगर हम रख दें तो देखिए एक्स के जगह पे टू, वाई के जगह पे वन, टू माइनस वन इजकल टू वन, वन भी तो एक पूर्णांक है, तो यहाँ लिख देंगे जो एक पूर्णांक है, जो एक पूर्णांक है। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जब x इजकल टू वन और y इजकल टू टू ले रहे हैं तो x माइनस वाई की वैल्यू पूर्णांक आ रही है। अगर इसको रिवर्स कर देते हैं, x के जगह पे 2 और y के जगह पे 1 कर दे रहे हैं तो भी x माइनस वाई की जो वैल्यू आ रही है एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब कि जो संबंध पहले का दूसरे के साथ है वही संबंध दूसरे का पहले के साथ है, तो कह देंगे कि अतः यह एक सममित संबंध है। लिख देंगे अतः यह एक सममित संबंध, अतः यह एक सममित संबंध है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसके बाद हम तीसरे पे आते हैं और तीसरा है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए देखिए संक्रामक संबंध में क्या होता है कि जो संबंध पहले का दूसरे से है, अगर वही संबंध दूसरे का तीसरे से भी है, और फिर वही संबंध अगर पहले का तीसरे से है तो संबंध संक्रामक हो जाता है। चलिए हम पहली बार में x इजकल टू वन, अच्छा देखिए हम तीन संख्याओं को लेते हैं, वन टू और थ्री लेते हैं, ठीक ना, वन टू और थ्री लेते हैं। तो वन यानी a इजकल टू हम वन टू थ्री ले रहे हैं। तो अब देखिए पहली बार में x इजकल टू वन और y इजकल टू टू लेते हैं, तो अगर हम यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू निकालें, देखो बेटा तो क्या हो जाएगा, वन माइनस टू, अब वन माइनस टू इजकल टू माइनस वन होगा, और यह क्या है, जो एक पूर्णांक है। अब हम इधर आ जाते हैं, इधर हम इरेज कर दे रहे हैं। तो पहली बार में वन टू लिया, पहली बार में हमने वन टू लिया, अब दूसरी बार में टू थ्री ले ले रहे हैं, टू थ्री यानी यहाँ देखिए एक्स के जगह पे टू और वाई के जगह पे थ्री ले रहे हैं, फिर एक्स माइनस वाई रखें तो टू माइनस थ्री इजकल टू माइनस वन होगा, और माइनस वन भी एक पूर्णांक है। लिख देंगे जो एक पूर्णांक है, जो एक पूर्णांक है। तो देखिए जब पहला दूसरा लेते हैं तो भी पूर्णांक मिल रहा है, दूसरा तीसरा ले रहे हैं तो भी पूर्णांक मिल रहा है। अब हम पहला तीसरा लेंगे, x इजकल टू वन और y इजकल टू थ्री लेंगे, तो फिर हम x माइनस वाई करें तो वन माइनस थ्री क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, तो माइनस टू भी एक पूर्णांक है। तो जो एक पूर्णांक है, तो अब आप देख रहे हैं कि जब पहला दूसरा लिए हैं तो भी पूर्णांक मिला है, जब दूसरा तीसरा लिए हैं तो भी पूर्णांक मिला है, और जब पहला तीसरा ले रहे हैं तो भी पूर्णांक मिल रहा है। अतः यह संबंध क्या है, संक्रामक है। लास्ट में लिख देंगे अतः संबंध संक्रामक है, अतः संबंध संक्रामक है। तो ये चीज आपने देखा, ये एक्सरसाइज 1.1 के पहले का जो फोर्थ पार्ट है, पहले के फोर्थ पार्ट में आपने देखा कि संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक भी है। ठीक है बेटा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आप अच्छी तरह से समझते रहे हैं और वीडियो से लगातार चैनल के साथ लगातार जुड़ रहे हैं, वीडियो पूरा देखें तभी आपको मैथ समझ में आएगा, अन्यथा आपको मैथ समझ में नहीं आएगा। आप समझते चलें, लाइक करते चलें, शेयर करें,
और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 के पहले का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट हम देखते हैं। और वन का फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है इसको आप ध्यान से देखिए। दिया है किसी विशेष समय पर, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन यानी पहले का जो फिफ्थ पार्ट है, इस फिफ्थ पार्ट में भी फिफ्थ पार्ट है। ठीक ना, पहला जो पहले क्वेश्चन का एक्सरसाइज 1.1 का पहले क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट के भी फिफ्थ पार्ट हैं। अब उसको देखना है तो देखिए, दिया हुआ है पहला, इसका पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि संबंध रिलेशन है और रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई, सच दैट एक्स और वाई के बारे में दिया है कि यक्ष तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यक्ष तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो लोग हैं और दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अब अगर हम स्वतुल्य संबंध के लिए देखें तो स्वतुल्य संबंध में, अब हमको बताइए, स्वतुल्य में खुद होता है, स्वयं होता है। तो जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वही व्यक्ति उस स्थान पर कार्य कर रहा है। भाई कह रहा है कि यक्ष वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो स्वतुल्य में स्वयं को लेना होता है, खुद को लेना होता है। तो खुद को लेना है, इसका मतलब कि जहां हम काम कर रहे हैं हम वहीं काम कर रहे हैं, इसका मतलब कि संबंध स्वतुल्य हो गया। अब देखिए, ये जुबानी समझने वाला क्वेश्चन है। तो जहां पे हम स्वयं काम कर रहे हैं वहां पे ही हम काम कर रहे हैं, तो संबंध स्वतुल्य हो गया। लेकिन अगर सममित में देखें तो यक्ष वाई दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं। तो यक्ष वाई जैसे दो व्यक्ति को भी हम मान सकते हैं, राम श्याम को मान सकते हैं। तो मान लीजिए जहां राम काम कर रहा है वहीं श्याम काम कर रहा है, तो जहां श्याम काम कर रहा है वहां राम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो जहां यक्ष काम कर रहा है वहीं वाई काम कर रहा है, और जहां वाई काम कर रहा है वहीं यक्ष काम कर रहा है। तो इसका मतलब कि संबंध दोनों एक्स और वाई दोनों के लिए अप्लीकेबल है, अतः यह संबंध सममित भी होगा। अब संक्रामक के लिए देखिए, संक्रामक में तीन लोगों की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कि राम है, श्याम है, घनश्याम है, तीनों एक ही जगह काम करते हैं। तो राम जो है श्याम के जगह पे काम करता है, तीनों एक ही जगह पे काम करते हैं। तो श्याम वही काम करता है जहां राम काम करता है, घनश्याम वही काम करता है जहां श्याम काम करता है, और फिर राम वही काम करता है जहां घनश्याम काम करता है। तो तीनों के बीच का जो संबंध है वो एक ही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। बात समझ में आया बेटा? अब इसी तरह से इसका जो बी पार्ट है बिल्कुल इजी है, ऐसा ही है, ये तर्क के माध्यम से आपको करना होगा। बी पार्ट में देखिए, दिया है कि आर इज इक्वल टू एक्स वाई तथा सच दैट यक्ष तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जब दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो यहाँ भी क्या होगा
यहाँ भी वही होगा। जैसे मान लीजिए एक्स वाई दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो पहले स्वतुल्य की जांच कीजिए। तो जहाँ यक्ष जिस मोहल्ले में यक्ष रहता है, यक्ष उसी मोहल्ले में रहेगा, इसका मतलब कि संबंध स्वतुल्य हो गया। अब दो लोग हैं यक्ष वाई, तो जिस मोहल्ले में यक्ष रहता है उसी मोहल्ले में वाई भी रहता है, तो जिस मोहल्ले में वाई रहता है उसी मोहल्ले में यक्ष भी रहेगा। फिर इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें, तीन लोग हों अगर यक्ष वाई और जेड हों एक ही मोहल्ले में, तो जिस मोहल्ले में यक्ष है उसी मोहल्ले में वाई भी है, और जिस मोहल्ले में वाई है उसी मोहल्ले में जेड भी है, और जिस मोहल्ले में यक्ष है उसी मोहल्ले में जेड भी है। इसका मतलब कि तीनों एक ही मोहल्ले में हैं। तो अतः इसका मतलब ये हुआ कि संबंध संक्रामक भी है। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर यक्ष तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हों तो इस स्थिति में संबंध स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। बात समझ में आई बेटा? इसी तरह से सी पार्ट देख लीजिए क्या है। ये बहुत इजी है। सी पार्ट में भी दिया हुआ है एक्स आर इज इक्वल टू रिलेशन दिया हुआ है यक्स वाई सच दैट यक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ध्यान दीजिएगा, यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। जैसे मान लीजिए अगर राम और श्याम है, तो राम श्याम से 7 सेंटीमीटर लंबा है, राम श्याम से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अगर हम स्वतुल्य संबंध की जांच करें तो क्या कोई व्यक्ति स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? कोई भी हम अपने से 7 सेंटीमीटर लंबे हों, ऐसा हो सकता है? इट इज पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि संबंध स्वतुल्य नहीं है। अब मान लीजिए सम्मित के लिए हम देखें, दो लोग हैं, मान लीजिए हम हैं और आप हैं, हमसे आप 7 सेंटीमीटर लंबे हैं, तो क्या आपसे भी हम 7 सेंटीमीटर लंबे हो जाएंगे? ऐसा संभव है? ऐसा पॉसिबल भी? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि अगर दो लोग हैं, पहला दूसरे से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो दूसरा भी पहले से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? ऐसा संभव नहीं है। अतः संबंध सम्मित नहीं होगा। अब संक्रामक में आइए, तीन लोग हैं, पहले से जैसे मान लीजिए ये पहला है, पहले से दूसरा 7 सेंटीमीटर लंबा है, दूसरे से तीसरा 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो पहले से दूसरा 7 सेंटीमीटर लंबा है, दूसरे से तीसरा 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या पहले से तीसरा भी 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? ऐसा होगा? पहले से दूसरा 7 सेंटीमीटर लंबा है और दूसरे से तीसरा 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो तीसरा जो है पहले से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। क्योंकि इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा और इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा, तो रिलेशन यही कह रहा है कि पहले से दूसरा 7 सेंटीमीटर लंबा है तो और दूसरे से तीसरा 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो पहले से तीसरा भी 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। ऐसा होगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, अब इसके बाद इसका डी पार्ट हम देख लें, ये भी काफी ईजी है। तो डी पार्ट में दिया हुआ है रिलेशन आर इज इक्वल टू यक्स वाई, और इसमें आपको दिया हुआ है यक्स वाई की पत्नी है, यक्स वाई की पत्नी है, यक्स वाई की पत्नी है। अब आप सम्मित संबंध में देखो, क्या कोई स्वयं की पत्नी हो सकता है? ऐसा संभव है कि क्या कोई व्यक्ति खुद की पत्नी हो जाए? ऐसा संभव नहीं है। अब दूसरी चीज, अब यक्स वाई को लीजिए, दो लोगों को लीजिए, जैसे मान लीजिए राम और सीता को लीजिए या सीता राम को लीजिए, तो सीता जो है राम की पत्नी है, तो क्या राम भी सीता की पत्नी हो जाएंगे? ऐसा संबंध हो सकता है? ऐसा नहीं होगा कि यक्ष वाई की पत्नी है तो वाई भी यक्ष की पत्नी हो, ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह संबंध सममित नहीं है। अब संक्रामक में आ जाइए,
तो अब एक चीज देखिए, संक्रामक भी बड़ी विचित्र स्थिति है कि जैसे मान लीजिए 3 लोग हैं, तो पहले की पत्नी दूसरी है, तो दूसरी की पत्नी तीसरी, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये तो पहले ही गड़बड़ लग रहा है कि पहली की पत्नी दूसरी हो और दूसरी की पत्नी तीसरी हो, और फिर पहली की पत्नी तीसरी हो जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। ऐसा कम से कम हम लोगों के भारतीय इतिहास में तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए यह संबंध भी न तो स्वतुल्य है, न सममित है, और न ही संक्रामक है। ठीक, अब एक पार्ट और है, इसको भी ध्यान समझ लीजिए। आर इज इक्वल टू रिलेशन दिया हुआ है यक्ष वाई, और दिया है कि यक्ष वाई के पिता हैं, यक्ष वाई के पिता हैं, यक्ष वाई के पिता हैं। अब एक चीज बताइए, जांच कीजिए स्वतुल्य के लिए, कि क्या स्वयं कोई व्यक्ति खुद का पिता हो सकता है? कोई व्यक्ति खुद का पिता नहीं हो सकता, तो संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। अब मान लीजिए 2 लोग हैं, राम के पिता दशरथ थे, तो क्या दशरथ के पिता राम हो सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। अब इसी तरह से मान लीजिए 3 लोग हैं, पहला दूसरा तीसरा, तो पहले का पिता दूसरा है और दूसरे का पिता तीसरा है। आप अपना उदाहरण ले लीजिए, आपके बाप कोई और हैं और आपके बाप के बाप कोई और हैं, तो क्या आपके बाप के बाप जो होंगे वो आपके भी बाप होंगे? ऐसा संभव नहीं, आपके वो बाबा लगेंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए यह संबंध भी न तो स्वतुल्य है, न सममित है, न संक्रामक है। और इस तरह से रोचक तरीके से मैथ पढ़ने के लिए ये मैथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पहला चैप्टर जो है मॉडर्न अलजेब्रा का है, थोड़ा सा बच्चों को टेढ़ा लगता है। आप सभी लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ते रहें, दोहराते रहें, तैयार करते रहें, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आता होगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग पढ़ सकें, समझ सकें, ज्ञान अर्जन कर सकें। और फिर वीडियो के बेल आइकन को भी आप प्रेस करें, और आवश्यकता समझ में आए तो कमेंट करें। देखिए, ये शिक्षा की चीज़ है, जानकारी की चीज़ है। इसको जितना ही शेयर करेंगे, उतना ही आप सभी लोगों को पुण्य मिलेगा, आप सभी लोग धर्म के भागी होंगे। ये कोई हंसी मनोरंजन की चीज़ नहीं है, ये कोई डांस पार्टी नहीं है। डांस पार्टी होती और हंसी मजाक की चीज़ होती तो आप बिना कहे ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप फॉरवर्ड कर देते, शेयर कर देते। लेकिन ये पढ़ाई की चीज़ है, आप ध्यान दीजिएगा। इससे ये पढ़ाई ऐसी चीज होती है कि इससे पूरा जीवन ही मनोरंजन बन जाता है। इसलिए आप अवश्य शेयर करें, लाइक करें, और आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।